Hi friends, welcome to my YouTube channel. So myself Sudhir Jurove and my channel name is Civil with Sudhir. Okay friends, आज इस वीडियो में मैं एक नोटिफिकेशन आ चुका है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, राइट। उसमें रिक्रूटमेंट ऑफ मैनेजर एंड जूनियर एग्जीक्यूटिव के कुछ पोस्ट निकले हैं। इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी एप्लीकेंट्स हैं, वो भर सकते हैं। ओके, इसमें एक ही आपको सब एक थोड़ा पोस्ट में एक्सपीरियंस चाहिए और थोड़ा पोस्ट में आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। ओके, और इसमें एमबीए वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, उनका भी कुछ पोस्ट निकले हैं। ओके, ये सभी पूरा रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन कैसा है, उसका एग्ज़ाम फी क्या है, राइट, कैसा आप अप्लाई करना है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दिया हूँ ऑलरेडी। आप उस लिंक पे क्लिक करके आप अप्लाई कर सकते हैं, और पीडीएफ भी ऑलरेडी इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से आप डाउनलोड करके इस नोटिफिकेशन को पढ़ के आप अप्लाई कर सकते हैं। ओके, चलिए फ्रेंड्स, आज स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। ओके, ये नोटिफिकेशन जो निकला है एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन है, राइट। आप देखिए, ये नोटिफिकेशन में आपको फर्स्ट देखिए, फर्स्ट मैनेजर फाइनेंस में उसका क्वालिफिकेशन जो है, राइट, बीकॉम, राइट। इस फर्स्ट वन देखिए, मैं फर्स्ट वन पढ़ रहा हूँ, राइट। ये बीकॉम का है, 2 ईयर ड्यूरेशन का जो कोर्स रहेगा वो कंप्लीट जो भी किए, और 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है इसमें भी। आपको एक्सपीरियंस रहना चाहिए एग्जीक्यूटिव कैडर इन द फील्ड ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट और फाइनेंस में जिसका भी एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। जनरल के लिए 9 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 4, टोटल जो भी पोस्ट है, राइट, वो पोस्ट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। 18 पोस्ट है, राइट, जनरल के लिए, ओबीसी के लिए, एससी एसटी के लिए सेपरेट पोस्ट है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, मैनेजर फायर एंड सर्विसेज, राइट। मैनेजर फायर एंड सर्विसेज में सेकेंड वन देखिए, उसमें भी बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, जो भी मैकेनिकल ऑटोमोबाइल स्टूडेंट्स है और जो स्टूडेंट अभी उनके फील्ड में मैकेनिकल फील्ड रहने दो या ऑटोमोबाइल फील्ड रहने दो, जिनको भी 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, राइट, वो यहाँ पे इन द फील्ड ऑफ फायर सर्विसेज, ओके, नॉट इन द मैकेनिकल फील्ड, ओके, मैकेनिकल फील्ड रिलेटेड टू फायर सर्विसेज, ओके, वो अप्लाई, इस पोस्ट को वो अप्लाई कर सकते हैं। टोटल 16 पोस्ट है, राइट। उसमें आप देखिए, 9 पोस्ट जनरल के लिए, 4 पोस्ट ओबीसी के लिए, और एससी एसटी के लिए 2 और 1, ऐसा डिवाइड की यस है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, थर्ड जो पोस्ट है मैनेजर टेक्निकल के लिए, राइट, थर्ड वन मैं पढ़ रहा हूँ, थर्ड वन के लिए बीटेक डिग्री इन मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल, फिर से ऑटोमोबाइल का है। इसमें आपको टेक्निकली मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल का जो पोस्ट है, 5 ईयर्स एक्सपीरियंस, ओके, रिलेटेड विथ मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ओके, वो उसका डिस्क्रिप्शन भी यहाँ पे दिए सो है आपको, फील्ड इन मोटर व्हीकल एंड अलाइंड सर्विसेज, ये टॉपिक जो है, ओके, मोटरसाइकिल और व्हीकल में, सॉरी, मोटर व्हीकल एंड अलाइंड सर्विसेज में अगर आपको 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल है अप्लाई करने के लिए। बट इसमें थोड़ा पोस्ट कम है, आप देखिए टोटल एक ही पोस्ट है, फिर भी आप अप्लाई करिए, ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैनेजर इन इलेक्ट्रिकल के लिए, राइट, उसका क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपका बीटेक डिग्री इन इलेक्ट्रिकल, राइट, बट इसमें भी आपको 5 ईयर्स एक्सपीरियंस चाहिए इन द फील्ड ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। कौन सा फील्ड है वो आपको यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है, बट आपको 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस, जो भी वर्क एक्सपीरियंस है आपको 5 ईयर्स होना चाहिए। बट टोटल सीट देखिए, इसमें 52 सीट्स है फ्रेंड्स, ओके, जो भी इलेक्ट्रिकल आपके फ्रेंड्स है, ये वीडियो उनको शेयर कीजिए ताकि उनको पता चले कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में पोस्ट निकल चुका है, ओके, और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ये वीडियो को सभी को सेंड कीजिए, राइट। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट चलते हैं, ये हमारा मेन इंपॉर्टेंट 5th वन, बिकॉज आई एम फ्रॉम द सिविल बैकग्राउंड, सो माई मेन फोकस इज ऑन द सिविल इंजीनियरिंग, राइट। सो मैनेजर दैट इज इंजीनियरिंग सिविल, बीटेक फुल डिग्री, बीटेक डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग, राइट, 5 ईयर्स वर्क एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ओके, चाहे वो एग्जीक्यूशन रहने दो या डिजाइनिंग रहने दो, जो भी आप 5 ईयर्स एक्सपीरियंस आपके पास है, अगर आप सिविल इंजीनियर कंप्लीट करके 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है, आप इस पोस्ट को अप्लाई कर सकते हैं, ओके। और पोस्ट देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख लीजिए पोस्ट, राइट, पोस्ट देख लीजिए, पोस्ट 71 पोस्ट है टोटल, राइट, आप देखिए 71 पोस्ट यहाँ पे आपको दिख रहा है, 71 पोस्ट टोटल आपको 71 पोस्ट है, राइट, 37 ओबीसी एससी एसटी बोल के ऐसे डिवाइड किए सो है, तो आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिए, अभी भी आज ही 2 दिन हुआ ये डेट स्टार्ट होके,
और इसका डेट भी मैं आपको आगे इस वीडियो में बोल दूंगा जो भी डेट्स है इसका, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, मैनेजर ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज। ओके, ऐसा सभी बहुत ट्रांसलेशन उसके भी ऊपर ऐसा पोस्ट निकल चुका है। नेक्स्ट देखिए मैं कमर्शियल, उसके बाद ह्यूमन रिसोर्स, ओके, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, बी बी टेक मेन इंपॉर्टेंट है बिकॉज बी बी टेक वाले ज़्यादा जो पास आउट रहते हैं उनका ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं उनके लिए वीडियो बनाया हूँ, राइट। इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी जिनका भी है बी बी टेक डिग्री और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, उनका भी जिसका भी 5 ईयर्स एक्सपीरियंस है वो अप्लाई कर सकते हैं। बट यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, उनका नंबर ऑफ पोस्ट 324 पोस्ट है। ओके, 324 पोस्ट, ये बहुत ही ह्यूज अमाउंट हो गया एयरपोर्ट अथॉरिटी में, राइट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पोस्ट सीरियल नंबर 10 में, सीरियल नंबर 9 भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट बी बी टेक के लिए। 10 सीरियल नंबर 10 में देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल, राइट। ये भी बी बी टेक जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट इसमें आपको एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है जी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप फिर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री ऑफ 3 ईयर्स इन साइंस BSc जिनका भी है, वो भी फिजिक्स और मैथमेटिक्स जिनका भी है फुल टाइम रेगुलर बी बी टेक डिग्री इन एनी डिसिप्लिन, आप अप्लाई कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे 200 पोस्ट है, तो आप विदाउट एक्सपीरियंस भी इस जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। सो इस कैटेगरी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा, जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोलर बोल के आपको पोस्ट आएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सीरियल नंबर 11 में देखिए, जूनियर एग्जीक्यूटिव फाइनेंस में, ये बीकॉम जो भी कंप्लीट किए और उनको वो आप अप्लाई कर सकते हैं, यहाँ पे एक्सपीरियंस आपको नहीं चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव फायर सर्विसेज, यहाँ भी आपको BBTech मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, ओके, जो भी कंप्लीट किए वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, एक्सपीरियंस नहीं है तो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, 15 पोस्ट है। और नेक्स्ट जूनियर एग्जीक्यूटिव एयरपोर्ट ऑपरेशंस, उसमें देखिए ग्रेजुएशन इन साइंस फुल टाइम रेगुलर फॉर MBA, ओके, MBA वालों को ये इंपॉर्टेंट है, राइट। जो भी MBA कंप्लीट किए और उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो ये जॉब को अप्लाई कर सकते हैं, राइट। फिर से देखिए सीरियल नंबर 14, जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल फुल टाइम BTech डिग्री इन मैकेनिकल ऑटोमोबाइल, ओके। तो इस वीडियो का जो भी इम्पोर्टेंस देखिए, इस नोटिफिकेशन का इम्पोर्टेंस समझ लीजिए कि ताकि बहुत 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 पोस्ट मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल में है, सिविल में भी है, फिर भी सिविल में थोड़ा सा कम है, इलेक्ट्रॉनिक्स में भी ज़्यादा है, इलेक्ट्रिकल में भी ज़्यादा है, बट सिविल में थोड़ा कम है, फिर भी आप अप्लाई कीजिए फ्रेंड्स, आप वरी मत कीजिए, एग्जाम अच्छा हुआ तो आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा, राइट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, 16 नंबर सीरियल नंबर, जूनियर एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फिर से ये IT का इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है, कंप्यूटर इंजीनियरिंग दैट इज कंप्यूटर साइंस इलेक्ट्रॉनिक जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट एक्सपीरियंस जो है वो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज ये एयरपोर्ट अथॉरिटी में विदाउट एक्सपीरियंस नहीं लेते, इस बार चांस दिए, ये मिस मत कीजिए फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, जूनियर एग्जीक्यूटिव कॉरपोरेट प्लानिंग एंड मैनेजमेंट सर्विस, ओके, इसके लिए आपको इसके लिए भी एक्सपीरियंस नहीं है, बस आपको पोस्ट ग्रेजुएट मैथमेटिकल स्टैटिक्स जो भी पढ़े, ऑपरेशनल रिसर्च रहने दो, स्टैटिक्स रहने दो, अप्लाइड स्टैटिक्स रहने दो, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड के वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं विदाउट एक्सपीरियंस, ओके। 18th सीरियल नंबर 18 देखिए, सो जूनियर एग्जीक्यूटिव ह्यूमन रिसोर्स, ये सभी पोस्ट है MBA सीरियल नंबर 18 एंड 19, ये दोनों पोस्ट MBA वालों के है, ओके, जो भी मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ चुके हैं विदाउट एक्सपीरियंस जो है वो ये इस वीडियो को देख के और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूँ इसका लिंक, इसका PDF और इसका कैसे अप्लाई करना, वो सभी अप्लाई कर चुका हूँ, ओके। ये हो गया पोस्ट के बारे में फ्रेंड्स, अभी चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आपको इम्पोर्टेंट डेट के बारे में बता देता हूँ, ओके। ये जो आपको यहाँ पे डार्क मार्क दिख रहा है, ओके, ये सभी आपका मास्क कार्ड्स, वो भी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपके पास रहने चाहिए ओरिजिनल्स, उसके बारे में दिए। अब इम्पोर्टेंट है इम्पोर्टेंट डेट्स, ओके, यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, इम्पोर्टेंट डेट्स, ओपनिंग डेट ऑफ ऑनलाइन अप्लीकेशन 16/7 मीन्स जुलाई 16/2018 को ये स्टार्ट हुआ, ओनली 2 डेज हुआ इसका नोटिफिकेशन आके, और लास्ट डेट फॉर ऑनलाइन अप्लीकेशन है 16/8, तो एक पूरा एक मंथ का टाइम है फ्रेंड्स। आपको इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए ताकि जो भी जिनको भी मालूम नहीं है ये वीडियो उनको पहुंच के मेरे YouTube चैनल में आके आप वो वीडियो देख सकते हैं ताकि आप अप्लाई कर सके इस जॉब को, और जो भी इसका सिलेबस है, जो भी इसका कैसे पढ़ना चाहिए सिविल के बारे में, बिकॉज आई एम फ्रॉम द सिविल बैकग्राउंड, आई एम ओनली कॉन्सेंट्रेट ऑन द सिविल, जो भी आपका अदर डाउट्स रहेगा प्लीज़ आप पूछिए,
मैं उसको क्लियर कर देता हूँ। ओके चलिए, लास्ट डेट फॉर द पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन 18/8 है, राइट, 18/8/2018, दैट इज अगस्त 18 का लास्ट डेट दिए सो है। टेंटेटिव डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन, ओके ये भी इंपॉर्टेंट है, आपका एग्जाम होगा सितंबर में 11/9/2018-14/9, ये टेंटेटिव डेट है, ये चेंज हो जाएगा, बट आपको मेल आईडी में आ जाएगा, राइट, जो भी चेंजेस हो जाएगा आपको मेल आईडी में आ जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, पे स्केल। पे स्केल क्या रहेगा, राइट, देखिए अगर आप मैनेजर के लिए अप्लाई किए तो आपका पे स्केल रहेगा 60,000 to 180,000 पर मंथ, राइट। तो जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए आपको रहेगा पर मंथ 40,000 to 140,000। ओके, इट्स डिपेंड्स अपॉन द पोस्ट, पोस्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा और आपका एक्सपीरियंस कैसा है उसके ऊपर, जो भी पोस्ट देते हैं उसके ऊपर आपका पे स्केल फिक्स हो जाएगा। ओके चलिए फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है। ओके अगर आपको इंस्ट्रक्शंस पढ़ना है तो आप इसको वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, और कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ मेरे वीडियो में कमेंट कीजिए ताकि मैं आपको उस डाउट को मैं क्लैरिफाई कर दूंगा। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, ये रिलैक्सेशन ऑफ एज है, हाँ अभी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे सिलेक्शन हो जाएगा। ओके आपका कैसे सिलेक्शन प्रोसेस कैसा है, राइट, फॉर बिफोर अप्लाइंग द पोस्ट कैंडिडेट शुड हैव एंटर्ड द एलिजिबिलिटी, जो भी आपका है आप फर्स्ट नोटिफिकेशन में चेक करके आप अप्लाई कीजिए। इसका एक ऑनलाइन एग्जाम रहेगा फ्रेंड्स, ओके जो भी ऑनलाइन एग्जाम है आपको मेल आईडी से आ जाएगा कि एग्जाम कब है और उसका टेंटेटिव डेट्स सभी आपको ईमेल से आ जाएगा। बट इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है, ओके फर्स्ट वो स्क्रीनिंग करेंगे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो भी आप अप्लाई किए आपका डिटेल चेक करने के बाद आपको परमिशन देंगे, आप ऑनलाइन टेस्ट दे सकते हैं या नहीं, उसके बाद आपका जो एग्ज़ाम देंगे उसके ऊपर डिपेंड जो भी मार्क्स आए उसके ऊपर जो भी मार्क्स आए आपको सिलेक्शन लिस्ट में सेलेक्ट करके कर दिए जाएंगे। उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा, अगर इंटरव्यू रहा तो इंटरव्यू आपको रख सकते हैं, नहीं तो नहीं रख सकते, ये डिपेंड्स अपॉन उनके ऊपर डिपेंड है, बट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन शुड बी ऑल डॉक्यूमेंट शुड बी क्लियर व्हाट यू हैव अपलोडेड इन द ऑनलाइन। ओके जो भी आप ऑनलाइन में अप्लाई किए वही रहना चाहिए, और डॉक्यूमेंट्स नहीं है तो प्लीज़ आप अप्लाई मत कीजिए, बिकॉज ये रिजेक्शन का चांसेस ज़्यादा रहेगा, राइट। और मेरे वीडियो को पॉज करके ये पूरा आप नोटिफिकेशन पढ़ लीजिए, राइट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड्स, इसका हाउ टू अप्लाई, ये भी इम्पोर्टेंट है, ओके कैसे अप्लाई करना चाहिए आप इसमें देखिए, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे आपको वेबसाइट दिख रहा है ना, राइट, ये वेबसाइट जो है आपको यहाँ पे वेबसाइट दिख रहा है, राइट, इस वेबसाइट पे जाइए www.ai.aero, ओके इसमें जाने के बाद करियर जो भी है, राइट, ये फर्स्ट पॉइंट में पढ़ रहा हूँ, करियर पे क्लिक कीजिए, आपको मोड ऑफ सबमिशन आ जाएगा, राइट, उसके बाद ये सभी डिटेल्स आप फिल कीजिए, और आपका करेक्ट ईमेल आईडी भी डालना इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। ओके ये सेकंड पॉइंट आपको हाउ टू अप्लाई में देखिए, करेक्ट कैंडिडेट शुड वैलिड ए पर्सनल ईमेल आईडी, करेक्ट ईमेल आईडी डालिए, राइट, बिफोर रजिस्टरिंग सबमिटिंग एप्लीकेशन ऑन द वेबसाइट कैंडिडेट मस्ट प्रोसेस द फॉलोइंग, ये सभी वैलिड ईमेल आईडी करेक्ट रहना चाहिए, आपका स्कैन कॉपी फोटो कॉपी रिसेंटली थ्री मंथ से ओल्ड नहीं रहना चाहिए, और आपका सिग्नेचर जो भी पूछ रहे उस फॉर्मेट में अप्लाई कर दीजिए, उसका जो भी डिस्क्रिप्शन में वहाँ पे DSO रहता है, ओके वो वहाँ पे देख के आपको उसको क्रॉप करके डाल दीजिए, राइट। चलिए और इसके बाद इसका एक प्रिंटआउट लेके और रजिस्ट्रेशन स्लिप आपके पास रख लीजिए, फ्यूचर यूज के लिए आपको हेल्पफुल हो जाएगा। ओके चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट चलते हैं, एप्लीकेशन फी एंड मोड ऑफ रिमिटेंस। ओके एप्लीकेशन फी कितना है, ओके एप्लीकेशन फी तो ये 1,000 rupees है, राइट, ओनली बाय द ऑनलाइन मोड है। ओके हाउएवर SC ST और PWD फिजिकली जो भी है फीमेल कैंडिडेट्स आर एक्सेप्टेड। ओके फीमेल कैंडिडेट्स के लिए फीस कुछ भी नहीं है, नील है, आप ओनली आप एप्लीकेशन अप्लाई किए तो हो गया, आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, जो भी SC ST और PWD और वुमेन्स कैंडिडेट है आपको फीस भरने का जरूरत नहीं, बाकी इस कैटेगरी को छोड़ के जो भी आप अप्लाई करेंगे आपको 1,000 rupees अप्लाई करना पड़ेगा, वो भी ऑनलाइन मोड, राइट। सो नेक्स्ट चलिए फ्रेंड्स, द एप्लीकेशन फॉर्म इज इंटीग्रेटेड, वो सभी आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कैसे अप्लाई करना है, राइट। और यहाँ पे और एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है,
राइट द स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग द मनी। ओके, ये तो आपको ऑलरेडी मालूम होगा बिकॉज आप जितने भी अप्लाई अभी सभी अप्लीकेशन जो भी है ऑनलाइन है। ओके, फर्स्ट मेक ऑनलाइन पेमेंट पे क्लिक कीजिए। आप वहाँ पे क्लिक करने के बाद देखिए आपको स्क्रीन पे ये आ जाएगा, कैंडिडेट हैज़ टू एंटर द एप्लीकेशन नंबर। आपको एप्लीकेशन नंबर एंटर करना है। ओके, आफ्टर क्लिकिंग ऑन द मेक ऑनलाइन पेमेंट, राइट, आपको डेट ऑफ बर्थ डालना है। उसके बाद और एक नया स्क्रीन ओपन हो जाएगा, उसके बाद वहाँ पे आपको एप्लीकेशन सीक्वेंस नंबर, पोस्ट अप्लाइड, डेट ऑफ बर्थ, नेम ऑफ द एप्लीकेशन, ईमेल आईडी, ये सभी आ जाएगा। उसको वेरीफाई करके आप अप्लाई कर दीजिए और पेमेंट कर दीजिए, तब आपका एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगा, राइट। सो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ये कुछ इंस्ट्रक्शंस है, फोटो इमेज कितना साइज का रहना चाहिए, 20-50 KB, डायमेंशंस भी दिए 200-300, ये सब आप देख लीजिए फ्रेंड्स। वीडियो को पॉज करके आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मैं PDF ऑलरेडी आपको अपलोड कर चुका हूँ, राइट। ये कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस है, वो भी आप पढ़ लीजिए। ओके, सो ये हो गया फ्रेंड्स। तो आप इस वीडियो को सभी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, ताकि ये वीडियो ओनली आपके लिए नहीं है, जो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से, जो भी कॉमर्स बैकग्राउंड से, जो भी MBA बैकग्राउंड से, ओके, उनको ये वीडियो शेयर कीजिए, ताकि उनको पता चले कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में कुछ पोस्ट निकल चुका है। ओके, थैंक यू एंड ऑल माय डियर फ्रेंड्स एंड माय सेल्फ सुधीर जीरोबे। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल है विथ सिविल विथ सुधीर, एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकॉन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशन अबाउट all the government exams like this. Okay, thank you and all my dear friends.